आज मैं आपको कर्तव्य पथ की पूरी तस्वीर दिखाऊंगा और घर बैठे आप देख सकेंगे अब ये इलाका कैसा लगता है, और यह भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि गुलामी के अंश को खत्म करने की जो प्रक्रिया दिल्ली से शुरू हुई है वो यहीं खत्म नहीं होगी, ये बात दूर तक जाएगी। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कर्तव्य पथ पर नेताजी की मूर्ति के अनावरण पर ममता बनर्जी ने क्या कमेंट किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने इस मौके पर कैसे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पार्पण किए। इंडिया गेट के सबसे करीब यह सबसे बड़ी कैनोपी है, इस कैनोपी में अब ब्लैक ग्रेनाइट से बड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 26 फीट ऊंची प्रतिमा हमेशा के लिए स्थापित हो गई। नेताजी के भव्य स्टैचू का वजन 65 मीट्रिक टन है, इसे 280 मीट्रिक टन भारी ब्लैक ग्रेनाइट की एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। नेताजी की इस प्रतिमा को बनाने में करीब 26,000 घंटे का वक्त लगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेताजी की जिस प्रतिमा का अनावरण किया उस मूर्ति को मैसूरू के शिल्पकार अरुण योगीराज और उनकी टीम ने बनाया है। ये वही अरुण योगीराज हैं जिन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य की वो प्रतिमा बनाई है जो केदारनाथ में लगी। शंकराचार्य की उस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेताजी की मूर्ति को तेलंगाना के खम्मम में साबुत पत्थर को तराश कर तैयार किया गया है। इस मूर्ति को खम्मम से दिल्ली तक लाने के लिए 100 फीट लंबे और 140 पहियों वाले स्पेशल ट्रक का इस्तेमाल किया गया। आज जिस छतरी के नीचे नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया उसी छतरी के नीचे 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पर उनकी मूर्ति के होलोग्राम का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया था। इंडिया गेट से बीचों बीच दिखने वाली यह छतरी, ये कैनोपी 1938 में बनकर तैयार हुई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और उस वक्त इस कैनोपी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज द फिफ्थ की मूर्ति लगाई गई थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति इस कैनोपी में 1968 तक रही। 1968 से इंडिया गेट की मशहूर कैनोपी खाली थी। मोदी ने इस कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया और आज नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही गुलामी के इस प्रतीक पर आजादी के महानायक की अमिट छाप लग गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।